हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपर्णा वंडर वर्ल्ड। और आज हम बनाएंगे पनीर मलाई कोफ्ता, बहुत रिच क्रीमी ग्रेवी और मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर मलाई कोफ्ता। ये इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम अपने पनीर मलाई कोफ्ते के। सबसे पहले हमें चाहिए होगा पनीर, तो ये मैंने 187.5 ग्राम लिया है पनीर, और उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ठीक है, कद्दूकस कर लिया है। तो ये रेसिपी तो है ही, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं मलाई कोफ्ते की रेसिपी डालने वाली हूँ, जो कि बहुत यूनिक तरीके से बनेगी, टोटली डिफरेंट ग्रेवी एंड डिफरेंट कोफ्ते, और उसका टेस्ट भी उतना ही यूनिक होगा। तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं न्यू वीडियोस डालूँ उसके नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बैक टू आवर इन्ग्रीडियंट्स, देखते हैं आगे। देन ये दो आलू लिए हैं मैंने, और इसको उबाल लिया है, उबाल के ग्रेट कर लिया है। फिर कोफ्ते में ही हम डालने के लिए मैंने एक मिर्च ली है, उसको कट कर लिया है, और अदरक है, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा था, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है, और दो काजू और एक बादाम को मैंने ऐसे बारीक कट कर लिया है। ओके, फिर हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर 2 टीस्पून, इसकी जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये ना हो तो, एंड काली मिर्च का पाउडर भी हम लेंगे आज। ओके, तो ये पिंच मैं लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। ऑयल चाहिए होगा हमें कोफ्ते तलने के लिए 2 to 3 कप्स। देन ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 7 to 8 टीस्पून। देन प्याज हमें चाहिए होगी, ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, और इसको रेंडमली कट कर लिया है, क्योंकि वैसे भी हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं। फिर ये 3 टमाटर लिए हैं, इसको मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। फिर ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम, तो ये 1/3 कप लिया है, और साथ में थोड़ी सी क्रीम और ली है जो हम गार्निश करेंगे। ओके, तो ये मैंने 3 to 4 टीस्पून लिया है गार्निशिंग के लिए। देन नमक स्वाद के अनुसार, शुगर ली है 1 टीस्पून। देन ये अदरक है, ये भी 2 इंच के करीब है, इसको भी मैंने ऐसे कट कर लिया है, क्योंकि ये भी हमें ग्राइंड ही करना है। 3 से 4 मैंने गार्लिक लिया है, लहसुन, इसको भी कट कर लिया है। फिर ये काजू, 10 काजू लिए हैं, ओके, ये ग्रेवी के लिए हमारे। देन ये बटर है, मैंने ये क्यूब में कट करके लिया है, लेकिन 1 टीस्पून बटर लेना है हमें। 2 हरी मिर्च है, इसको भी मैंने ऐसे ही रेंडमली कट कर लिया है। फिर जायफल का पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, और 3 इलायची ली है, और 3 लौंग ली है। देन हम लेंगे ये दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने 1 इंच के करीब, और ये 1 कर्णफूल लिया है, और ये पिंच मैंने दालचीनी का पाउडर ही ले लिया है। ओके, ये पाउडर ऑप्शनल है। फिर मैंने 1/2 तेज पत्ता लिया है, और ये 1 जो है बड़ी इलायची ली है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। फिर मैंने 2 खड़ी लाल मिर्च ली है, और जीरा 1/4 टीस्पून। देन ये देगी मिर्च है ग्रेवी में थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए, तो ये भी मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। और फिर ये मैजिक बॉक्स मसालों का पिटारा, इसमें से हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून, देन मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, भुना और पिसा हुआ जीरा 1/4 टीस्पून। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी पनीर मलाई कोफ्ता। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कोफ्ते। ओके, तो मैं ये पनीर ले रही हूँ एक बड़े बाउल में। उसके बाद ये आलू जो हमने ग्रेट करके रखा था, बॉईल करके और ग्रेट करके, ये मैं डाल रही हूँ। देन हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्की सी काली मिर्च की पाउडर मैं डाल रही हूँ, फ्रेशली ग्रेटेड, आप जो ग्राइंड करके रखते हैं वो भी डाल सकते हैं। फिर हमने जो मिर्ची, धनिया, अदरक और जो ड्राई फ्रूट्स जो लिए थे उसको डालेंगे, ठीक है। एंड देन लास्टली कॉर्नफ्लावर, और अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे कोफ्ते के। ठीक, अब ये एक साथ अच्छे से हो गया, और इसके अब हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो आप शेप कोई भी दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी दे सकते हैं। ओके, आप ऐसे छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं, या सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हैं, शेप तो आप अपनी कोई भी मर्जी से बना सकते हैं। ओके, तो मैं ऐसे प्लेट में रख लेती हूँ, और ऐसे ही सारे कोफ्ते के बॉल्स बना लूँगी। तो हमने अपना तेल जो है ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, और ये मैंने सारे जो कोफ्ते हैं बॉल्स वो रेडी कर लिए हैं। ओके, तो इसमें
जैसे मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली है, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ओके, तो मैंने नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी हमने हरी मिर्च डाल ली थी, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो अब हम इन कोफ्तों को तलेंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम ये कोफ्ते इनमें फ्राई करने डाल देते हैं। और बाय चांस अगर आपके कोफ्ते तेल में डालने के बाद ओपन हो रहे हैं या खुल रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो उसके लिए आप एक बाउल में मैदा या कॉर्नफ्लावर लें, उसमें पानी डालें और रनिंग कंसिस्टेंसी बनाएं, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और फिर ये जो कोफ्ते हैं वो उसमें डिप करें, कोट करें अच्छे से और फ्राई करें, तो वो ओपन नहीं होंगे। या तो आप स्टार्टिंग में ही एक ही कोफ्ता फ्राई करके देखें और अगर वो ओपन हो रहा हो तो ये ट्रिक अपनाएं एंड सेव योर कोफ्ता। उसको मीडियम फ्लेम में मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। देखिए हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं के बाउल में। ये देखिए, और इस तरह से मैं सारे कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। तो चलिए अब बनाते हैं अपने कोफ्तों के लिए ग्रेवी। पैन में मैं ये बटर डाल रही हूँ एंड 3-4 टीस्पून ऑयल। ओके, इसमें डालेंगे जीरा, बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता और ये खड़ी लाल मिर्च को मैं ऐसे तोड़ के डाल रही हूँ। सिनेमन स्टिक ये एक डाल रही हूँ, कर्नफूल, सिनेमन पाउडर लिया था वो भी मैं डाल रही हूँ, देन लौंग, इलायची और नटमेग पाउडर, हरी मिर्च को मिक्स करते हैं अच्छे से। इसमें अदरक के टुकड़े एंड लहसुन, जिंजर गार्लिक, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं इसका, जिंजर गार्लिक का, हमें वैसे भी ग्राइंड करना ही है तो इसलिए मैंने चॉप करके डाला हुआ है। ये काजू, ये हल्के से रोस्टेड रखे थे मेरे पास, अनसॉल्टेड ही हैं, आप बिना रोस्टेड भी डाल सकते हैं। आधा एक मिनट इसको भुनेंगे, देन ये प्याज डालेंगे और इनको भी अच्छे से भुनेंगे। अब तो हमें प्याज भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। ओके, अब इसमें या तो आप ये कर सकते हैं कि सारे मसाले इसमें डाल लें और फिर बाद में ग्राइंड करें, और या तो फिर ग्राइंड करने के बाद जो ग्रेवी होती है उसमें हम मसाले डालते हैं, पर मैं थोड़ा अलग करती हूँ, मैं इसमें भी डालती हूँ जब सारे मसाले हमने डालने हैं उसमें थोड़ा बहुत हर मसाला मैं इसमें भी डालूँगी और बाद में ग्रेवी के समय भी हम डालेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं गर्म मसाला ले रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और ये जो देगी मिर्च लाल लिए थे हम, ये भी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें, एंड नमक भी थोड़ा सा। इसको हम मिला देते हैं। बस 1-2 सेकंड मसालों को भुनेंगे, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हैं और प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, नॉर्मल बस पक जाए इतना ही हमें भूनना है ताकि हमारा ग्रेवी का कलर डार्क ना आए। अब टमाटर डालने के बाद इसको और अच्छे से भूनेंगे थोड़ी देर। देखिए टमाटर डालने के बाद भी 2-3 मिनट मैंने इसको भूना है अच्छे से, और अब इस ग्रेवी को हम ठंडा होने देंगे और फिर इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ठीक है, और मैंने ये ऐसे बाउल और छलनी ली है और उस ग्रेवी को हम छानेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी छानें। ओके, तब इसको हम ठंडा होने देते हैं और मैं ग्राइंड करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये पेस्ट हमने बना लिया है, वो जो हमारा मिक्सचर था उसको अच्छे से ठंडा किया, ठंडा करने के बाद इसको पेस्ट बनाया है और अब हम इसको अच्छे से छानेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑप्शनल है। ओके, आप चाहे तो ऐसे भी ग्रेवी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से छान लेती हूँ। देखिए इतनी फाइन ग्रेवी मिल रही है हमें नीचे, तो मैं इस तरह से अपनी सारी ग्रेवी छान लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा पेस्ट रेडी है। चलिए अब हम बनाते हैं अपनी ग्रेवी। तो एक पैन में 3-4 टीस्पून ऑयल डालेंगे और एक छोटा सा क्यूब में डाल रही हूँ बटर का, यानी 1/2 टीस्पून। अब इसमें आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो आप ग्रेवी डालें और उसके ऊपर सारे मसाले डाल लें, और या तो फिर इस ऑयल में हम सारे मसाले डालते हैं, हल्का सा भूनेंगे 1-2 सेकेंड और फिर ग्रेवी डालेंगे, दोनों एक ही बात है। तो मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, देन लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, देन गरम मसाला, देन भुना हुआ एंड पिसा हुआ
जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ, और ये देगी मिर्च थी 1 टीस्पून, ये भी हम डाल रहे हैं, ये कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी ग्रेवी में। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और ये सारे मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा एक सेकेंड ही भूनेंगे मसालों को, और फिर ये हमारी ग्रेवी के ये अब डालेंगे इसमें। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से, और सबसे ज़रूरी नमक के स्वाद के अनुसार। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैं एक और रेसिपी भी डालने वाली हूँ मलाई कोफ्ते की। उसकी रेसिपी बहुत अलग है, इससे बहुत अलग है और यूनिक है, पर दोनों का टेस्ट ऑसम है, तो आप ज़रूर ट्राई करना जब भी मैं वीडियो डालूँ। गैस की फ्लेम मीडियम रखी है मैंने, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। करीब 1 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ। मिक्स करते हैं अच्छे से। ये देखिए 7 to 9 मिनट्स हो गए हैं हमें इसे अच्छे से कुक करते हुए, और ये ऑयल हल्का सा ऊपर आ रहा है, मतलब हमारी ग्रेवी अच्छे से हो गई है। और इस पॉइंट में हम ये क्रीम जो था ये क्रीम डालेंगे इसमें, और ये जो शुगर ली थी वो भी डालेंगे। मिक्स करते हैं अच्छे से। क्रीम डालने के बाद 1-2 मिनट और भूनेंगे अच्छे से। तो देखिए क्रीम डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से और भुना के अच्छे से पकाया है। हल्की सी गाढ़ी रखेंगे इसको, पतली नहीं रखेंगे हम। और ये हमारी ग्रेवी अब रेडी है। देखिए हमने हमारे कोफ्ते भी तल लिए हैं और हमारी ग्रेवी भी रेडी है, तब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। ओके, और हमारा क्रीम भी रेडी है जो हमने थोड़ा सा रखा था गार्निशिंग के लिए। तब एक बाउल में हल्की सी ग्रेवी डाली मैंने, उसमें अब हमने कोफ्ते रखेंगे। ओके, और इस कोफ्तों के ऊपर ये ग्रेवी डालेंगे हल्की सी। और आप ग्रेवी और कोफ्ते मिक्स करके पहले से ना रखें, जब आपको सर्व करना हो तभी आप कोफ्तों में ग्रेवी डालें और सर्व करें। और इसमें ये जो क्रीम थी ये हम गार्निश कर देते हैं। तो ये है हमारा पनीर मलाई कोफ्ता, अब इसकी अच्छे से प्लेटिंग करते हैं। तो ये है हमारे सुपर डिलीशियस पनीर मलाई कोफ्ता। एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।